हेलो फ्रेंड्स, आज उषा दुबे की रसोई में बन रहे हैं दही के कबाब। तो चलिए रेसिपी आपके साथ भी शेयर करती हूँ। दही के कबाब बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, बाहर से बहुत कुरकुरे और क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट क्रीमी। दही के कबाब कई विधियों से बनाए जाते हैं। सिंपल दही के कबाब तो हम दही को एक कपड़े में बांधकर लटका देंगे और उस हंकड़ में कुछ मसाले डालकर हम दही के कबाब बना देंगे। लेकिन आज कुछ स्पेशल है, आज मैं दही के कबाब में कुछ स्टफिंग भी करूंगी जो इसके स्वाद को कई गुना बढ़ा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आधा किलो दही लिया था, जिसे मैंने ये देखिए इस प्रकार के एक कपड़े में बांध कर और नल के ऊपर लटका दिया था। करीब 5 से 6 घंटे मैंने नल के ऊपर इसको लटका के रखा। तो देखिए अब इसकी क्या स्थिति है, हम देखते हैं। इसका सारा पानी दही का हमने निकाल दिया है और देखिए ये इस प्रकार से बहुत अच्छे से पानी बाहर आ गया है। अब ये हमारा हंकड़ तैयार हो चुका है। सबसे पहले हम दही के कबाब के लिए दही को तैयार कर लेंगे, जिसमें कि हमें स्टफिंग भरना है। अब इस हंकड़ में से मैं 2 चम्मच हंकड़ एक दूसरे बाउल में निकाल लूंगी, इसका हम आगे यूज करेंगे। अब हम इसमें ये मैंने कद्दूकस किया हुआ है पनीर को, देखिए बहुत ही बारीक कद्दूकस किया है, इसको मिला देंगे। ये दही के हिसाब से आप पनीर की मात्रा डिसाइड कीजिए। ये करीब 50 ग्राम पनीर था। बहुत थोड़ा सा जायफल और बहुत थोड़ी सी इलायची को मैंने बारीक पीस लिया है। अब इसे हम इसमें मिला देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसमें हम ये 2 चम्मच भुना हुआ बेसन डाल देंगे, साथ ही साथ थोड़ा ब्रेड क्रम्ब डाल देंगे। ये एकदम ताजी ब्रेड का ब्रेड क्रम्ब मैंने बनाया है, उसे मैंने डाला है। बहुत कम कॉर्नफ्लोर हमें डालना है। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब ये ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि इसके अंदर का जो फैट वाला हिस्सा है वो अच्छे से जमा रहे, नहीं तो ये बहुत पतला हो जाएगा और कबाब बनाना बहुत कठिन हो जाएंगे। तो इसे मैं फ्रिज में रखती हूँ और तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने एक प्याज छोटे साइज का लेकर उसको बारीक काट लिया है। अब गैस पर मैंने पैन चढ़ा दिया है और उसमें थोड़ा तेल डाल दिया है। अब ये जो बारीक कटा हुआ प्याज है, इसको हम इसमें फ्राई कर लेंगे। अब जिस बाउल में हमने ये 2 चम्मच हंकड़ निकाला था, इस हंकड़ में हम थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। ये मैं स्टफिंग बना रही हूँ, आपको बता दूँ। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा जीरा पाउडर। ये काजू मैंने रोस्ट कर लिया था और उसे बारीक काट लिया है, और साथ ही साथ किशमिश को भी बारीक टुकड़ों में काट लिया है, इसे भी हम इसमें मिला देंगे। हमने स्टफिंग तैयार कर ली है। अब इसमें जो प्याज मैंने अभी फ्राई किए थे, उन्हें भी मैं डाल दूंगी। इन्हें आप ठंडा करने पर डालिए, नहीं तो हमारी स्टफिंग पिघलना शुरू हो जाएगी। मैंने कबाब्स के लिए थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर घोल के रखा है और थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब लिया है। चलिए शुरू करते हैं। कबाब्स को आप कोई भी शेप दे सकती हैं। अब देखिए इसे फ्रिज में रखने से इसे हैंडल करना बहुत ईजी हो जाता है। इसमें मैं थोड़ी सी स्टफिंग डाल दूंगी। अब मैं इन कबाब्स को इस कॉर्नफ्लोर में डाल के सीधे ब्रेड क्रम्ब में डाल दूंगी और इस पर अच्छे से ब्रेड क्रम्ब को लपेट दूंगी। कॉर्नफ्लोर का घोल हमें बहुत पतला चाहिए। देखिए ये कबाब हमारा पूरी तरीके से तैयार हो गया है। देखिए कई बार लोग इसे बनाकर फ्रिज में रख देते हैं और मेहमान के आने पर तलते हैं, पर मुझे अभी आपको बताना है, इसलिए मैं इन्हें अभी तल रही हूँ। इस प्रकार हम और कबाब्स भी बना लेंगे।
देखिए बहुत सुंदर बना है। ये भी ऑलमोस्ट डन है, इसे भी निकाल लेते हैं। अब ये कबाब्स भी तैयार हैं, इन्हें भी हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अब हमारे दही के कबाब तैयार हैं। अब आप भी इन्हें बनाइए और पूरे परिवार को खिलाइए। और यदि ये सबको पसंद आते हैं ना, तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।